माना जाता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसका प्रभाव आपको साल भर दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे करने से जिंदगी में कितना भी कर्ज हो वो सब समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। तो चलिए बताते हैं आपको उपायों के बारे में। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करना है आपको, केवल एक काम। दिवाली की रात को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच पीपल अगर पास में हो, पीपल आंवले का पेड़ पास में हो, बेलपत्र पास में हो, जो भी पेड़ आपके नज़दीक हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी एक पेड़ के नीचे आपको घी के 3 दीपक जलाने हैं। केवल एक पेड़ के नीचे जलाने हैं ये दीपक, जो भी पेड़ आपके नज़दीक हो ये 3 दीपक जलाने हैं। एक लक्ष्मी जी के लिए, एक गणेश जी के लिए और एक सरस्वती जी के लिए 3 दीपक घी के जलाने हैं। एक फूल बत्ती का और 2 दीप लंबी बत्ती के जलाने हैं। फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती और 2 दीपक लंबी बत्ती के जलाने हैं। ध्यान रखना है घी के भरे हुए दीपक होने चाहिए, आधे भरे या खाली नहीं होने चाहिए, पूरे भरे हुए दीपक होने चाहिए। और उन तीनों दीपक में एक एक कमल गट्टा किराने की दुकान पर मिल जाएगा आपको। काले कलर का कमल गट्टा तीनों दीपक में एक एक डाल देना है और दीपावली की रात को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच अपने आसपास के पीपल या आंवला या बेलपत्र तीनों में से किसी एक पेड़ के नीचे जाकर ये दीपक जलाने हैं। दीपक जलाने के बाद आपको स्मरण करना है लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, माता सरस्वती का, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए और अपने पूर्वजों का स्मरण करिए। कर्ज मुक्ति की उनसे प्रार्थना कीजिए और कुबेर भगवान का स्मरण करके गोल बत्ती यानी फूल बत्ती का दीपक पेड़ के नीचे रख दीजिए और फिर दूसरा दीपक ठहराइए और उसकी बत्ती को अपनी तरफ करके अपने हाथ की हथेली पर रखें और फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए और दीपक की बत्ती से पेड़ की तरफ करके पेड़ के नीचे रख दीजिए। और अब तीसरा दीपक उठाइए, फिर अपने मन की कामना करें जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए स्मरण करिए और जब तक दीपक को हथेली पर रखो तो उसका मुख आपकी तरफ नहीं होना चाहिए और जब उस दीपक को नीचे रखोगे तब दीपक का मुख आपकी ओर होना चाहिए और फिर अपनी हथेली फैलाकर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, फिर झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए और घर पर आ जाइए। पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है और सीधे घर पर आकर घर में लक्ष्मी पूजा स्नान पर माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए और पूजा स्थान पर पहले से कोई 1 रुपए का सिक्का या कोई भी सिक्का पूजा स्थान में रखा हो उसे उठा करके अपनी तिजोरी में सदा के लिए रख लीजिए। जिंदगी में कभी कितना भी कर्जा होगा साल भर के अंदर सब समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।